अलैकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि पिछले हफ्ते आपने हमें बताया था कि बिस्मिल्लाह के बजाय 786 लिखना गलत है। ठीक हुजूर, 786 लिखना कब और कैसे शुरू हुआ था ये मुझे नहीं पता। ये बाद लोगों ने एहतियातन शुरू किया इस ख्याल से कि खत कहीं गिर जाए ज़मीन पे तो बिस्मिल्लाह की बेहरमती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने 786 लफ्ज़ जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद हैं वो लिखने शुरू कर दिए। तो ये एक बेहुदा हरकत है, ख़त एहतियात से रखो बहरहाल, लेकिन ये इत्तफाकन गिर जाने के नतीजे में बिस्मिल्लाह को नहीं बदलना चाहिए। हज़रत, मेरे पास भी एक लतीफ़ा है। हाँ सुनाओ, आज तो मज़े हैं, लतीफ़ बड़े हो गए हैं। एक मोटा आदमी किसी दावत पर गया। अच्छा। मेज़बान ने चाय बनाते वक्त सब मेहमानों से पूछा कि वो कितनी चीनी लेते हैं। सब मेहमानों ने 2 चमचे चीनी का कहा। हाँ। मोटा आदमी 6 चमचे चीनी लेता था। हाँ। और वो काफ़ी परेशानी से सोचता रहा। जब उसकी बारी आए तो उसने भी कहा 2 चमचे, लेकिन 3 बारी। ठीक है। एक मोटी औरत का लतीफा मैं सुना देता हूँ। किसी घर में चोर आ गया और उसकी बीवी बहुत मोटी थी। मर्द तो पता दुबला बेचारा लेटा रहा, बीवी ने उठ के चोर को नीचे गिरा लिया और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गई। तो नौकर ने आवाज़ दी, मालिक ने आवाज दी नौकर को कि दौड़े दौड़े जाओ, जूती पहनो और जाके पुलिस को बुला के लाओ। तो उसने कुछ देर कर दी, उसने पूछा तो जूती पहन के जाना था तुमने, इतनी देर क्या क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरी जूती नहीं मिल रही। तो उस औरत ने कहा, उस चोर ने कहा कि जूती मेरी पहन जाओ, इस बला से मेरी जान निकल रही है, आगे बाकी जोर बुला के लाओ। ठीक है।